ऐसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी को यू नाम दे दूं क्या, और ये नाम देता हूँ थीटा। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल फायर्ड, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। कंपोनेंट्स कलर यार ऐसा लें कि तुम्हें दिख जाए। ग्रीन कलर दिखता है ना? UY और UX कंपोनेंट होगा, है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यू वेक्टर इज इक्वल्स टू UX आई कैप प्लस UY जे कैप, सिंस UX इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा एंड UY इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। बोलो ना यार बच्चों, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब यहाँ पर सब जगह पर अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ मैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे लिखूँगा? सर एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, आप कहीं भी देख लो। तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इज माइनस जी जे कैप, सिंस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज जी जे कैप, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सब मैंने कल की क्लास में समझाए थे, आज सिर्फ डेरिवेशन के लिए नामकरण कर रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को भी। और एक अजम्पशन भी माना था सर क्लास में आपने, एक अजम्पशन क्या माना था? एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। यहाँ तक तो सब कुछ कल ही हो गया था सर डिस्कस, एक बार क्विक रिकैप हो गया हमारा। एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखना आ गया। अब हम सबसे पहली चीज़ जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाल रहे हैं हम? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में लगने वाला समय, इट इज़ दी टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल इन इट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से चालू करके ग्राउंड पे ही जब तक पहुंचेगा तब तक कितना समय लगेगा, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब देखो तुम लोगों ने ना मुझसे पढ़ा हुआ है अबे तेरी, दो मिनट बेटा। तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो अगर मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो समय होता है जब बॉडी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर वापस आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो, ऐसा ही पढ़ा ना हमने। अब तुम लोग दिमाग लगाओ और जवाब दो मुझे कि मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। कैपिटल टी, टाइम निकालने के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ यहाँ पे जिससे कि काम आसान हो जाए और जल्दी निकल जाए। ये तुम्हारे स्किल्स बढ़ा रहा है सोचने के। जवाब दो। अच्छा, अगर तुम ऐसा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऐसा ध्यान से देखो तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में, सब बच्चे जवाब देना,
वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई डायरेक्शन ए से चालू करा और ऐसे गए और वापस बी पे आ गए, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो यार बिना डरे, अरे पागल है क्या अब्दुल्ला, कैसी बात कर रहा है, वाई डायरेक्शन तो वर्टिकल है ना, वाई डायरेक्शन तो वर्टिकल है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड एवरीथिंग इन वाई डायरेक्शन। तो h तो हो गया जीरो, यू वाई कितना हो जाएगा, अभी यू वाई ही रहने देते हैं, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यू वाई टी, ये t से ये t कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ गया, जो टाइम निकल कर आ गया वो आ गया टी विच इज इक्वल्स टू टू यू वाई बाई जी। क्या आ गया टाइम, टू यू वाई बाई जी, और यू वाई की वैल्यू पुट कर दो तो टाइम कितना आ गया, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो यहां से क्या समझ में आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन से निकाल लिया हमने, किससे निकाल लिया, वाई डायरेक्शन से। सब बच्चों को क्लियर है ये, ए से बी तक ज्वाइन करने का, ए से बी तक पहुंचने का। हाँ मैं बता देता हूँ एक बार और देख लो कहीं पे नेट इश्यू हो तो। वाई डायरेक्शन में बेटा जब ये बॉल, अपन तो मोशन को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा, बॉल के एक हिस्से ने ऊपर से नीचे आया है और दूसरा हिस्सा तो आगे गया है, और कंबाइंड जो हुआ है वो हमको ये ब्लू लाइन में दिख रहा है, कंबाइंड जो हुआ है वो हमको इस ब्लू लाइन में ऐसे दिख रहा है, तो हमारी आंखें देखती तो ब्लू लाइन है लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, एक बार ये और एक बार ये। तो अगर मैं कहूं अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर कि टी बरा मैंने कहा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ये हो गई, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ये हो गई, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो टाइम क्या आ गया, t बराबर टू यू वाई बाई जी। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं न्यूमेरिकल के लिए, आई ना इतनी बात समझ में, तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कृष्णा। आई इतनी, बाकी लोगों को इतनी बात समझ में आई ये फॉर्मूले, बोलो यार। अच्छा अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो ए से बी तक का टाइम कितना हो गया, सर ये हो गया। अब अगर ये मैक्सिमम हाइट पे जाना है, क्या ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, क्या ये हमारी मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, अगर इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट सी तक जाना है, कहाँ तक जाना है, सी तक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी कितना होगा, सर जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में समय लगता है, तो इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा, यू वाई बाई जी, कितना हो जाएगा, यू वाई बाई जी। अरे कल ही हो गया था ये सारा डिस्कशन। हाँ सही, हम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ दिस इज द टाइम इन एयर, एयर टू एयर टाइम है, ए से बी तक जब तक हवा में था जब तक का समय है ये, ठीक है। ए से सी में जो टाइम लगेगा वही टाइम सी से बी में भी लगेगा, टाइम इन सी टू बी, और दोनों को जोड़ दोगे तो टाइम इन ए टू बी। चलो लिखो इतना, अब तो प्रोजेक्टाइल मोशन तुम किसी को समझा दो, तुम्हें इतनी बातें इसकी पता लग गई हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे अचीव होती है, तो मैक्सिमम हाइट अचीव होने के लिए
कोई भी चीज़ को तुम लॉजिकली सोचो कि ग्राउंड पे से तुमने किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका, वो कब तक ऊपर जाएगी? सर वो जब तक ऊपर जाएगी जब तक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई उस पॉइंट पे वो रुक जाएगी ऊपर जाना। तो सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लगाने में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? बॉडी तुमने पाथ देखा तो पाथ के हिसाब से सी से ऊपर वो नहीं जा पाई, सी के ऊपर वो जा ही नहीं पाई, सी से इतना सा भी ऊपर नहीं जा पाई वो। इसका मतलब क्या हुआ? सी पॉइंट पे आके उसके वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट सी वाई कंपोनेंट वेलोसिटी बिकम जीरो। अब अगर y कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो हो गई तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो एट टॉप पॉइंट, एट टॉप पॉइंट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू वाई स्क्वायर बाय टू जी। मुझे तो लगता है ये सब तो सर कॉन्सेप्ट ही बस याद रखना है, फॉर्मूले तो इस तरीके के हमने पढ़ रखे हैं। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसने मन में ही लगा लिया होगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, काम हो जाएगा आसानी से। बोलो यार, जिस बच्चे को ये बात क्लियर हो गई है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, उसको सिर्फ क्या करना है? उसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगानी थी, फॉर्मूला तो अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम एच मैक्स को क्या बोल सकते हैं? एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर बाई टू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लिखो। तो अलग अलग थीटा के लिए, अभी हमने जैसा कि डेरिवेशन किया, तो अलग अलग थीटा के लिए देखो हमें अलग अलग हाइट मिल रही है, अलग अलग थीटा के लिए हमें अलग अलग हाइट मिल रही है। अच्छा, अब अगर मैं कहूं तुमसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी? हर पॉइंट पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो गई है, ठीक है ना? चलो, तो हमें यह भी समझ में आ गया। अब देखो, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका है ठीक है, अब जब मैंने एक बॉडी को मूव कराया तो अब मैं जानना चाह रहा हूं कि उसने ये डिस्टेंस कितना कवर किया, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या जानना चाह रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी की बात करूं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कितना होगा, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इसे कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ए टू बी। क्या होता है? ए टू बी। क्लियर हुआ इतना? अब ए टू बी निकालना है तो इन एक्स डायरेक्शन यूनिफॉर्म मोशन इज टेकिंग प्लेस, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं ना, यू एक्स इज कॉन्स्टेंट
अब अगर यू एक्स कॉन्स्टेंट है तो हम लिखते हैं एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। पर सर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में? ज़ीरो। तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। ठीक है, अब ये टी कौन सा है? अच्छा, तो मैं ऐसा कहता हूँ आपको, क्या बॉल को जब हमने ए पॉइंट से फेंका था, जब बॉल को हमने ए पॉइंट से फेंका था तो क्या वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी? जब बॉल को हमने ए पॉइंट से फेंका था तो क्या वो दो टुकड़ों में बट गई थी? क्या उसका आधा टुकड़ा ऊपर जा रहा था और आधा सीधे? नहीं ना। इसका मतलब जितने समय में बॉल ऊपर से नीचे आई है उतने ही समय में आगे भी बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितने टाइम में बॉल ऊपर से नीचे आई है उतने ही टाइम में बॉल आगे की तरफ भी बढ़ गई है। अगर ये हुआ तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ दिस टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? जितना समय उसको जमीन पे वापस आने में लगा उतने समय में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अगर हो गया तो तुम यार फिर ऐसा का ऐसा इसको लिख दो ना, एस एक्स इज इक्वल्स टू, या एस एक्स ना लिखते हुए अब मैं लिख देता हूँ रेंज आर इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स टी की वैल्यू क्या थी? टू यू वाई बाई जी। तो ये क्या हो गया? टू यू एक्स यू वाई अपॉन में जी, टू यू एक्स यू वाई अपॉन में जी। ऐसा लिख सकता हूं? तो इसी को क्या लिख सकते हो सर आप? टू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये क्या हो जाएगा? टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन टू थीटा। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। क्या बोलेंगे? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये रेंज का फॉर्मूला याद रख लो या ये याद रख लो, याद दोनों ही रखने चाहिए। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी प्रोजेक्टाइल। बोलो ना यार, क्लियर है? समझ गए क्या सब लोग इतना? अगर समझ गए तो लिखें हम लोग, लिखो। यही हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। अब मेरे हिसाब से जो आप लोगों को याद रखना चाहिए ना वो ये वाला पार्ट होना चाहिए। ये याद रखना ज़्यादा आसान है रेदर देन इनके। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखें और इनको याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें सभी लोग। ये लिखो, अच्छा इसी में एक और नोट भी लिखो आगे। पहले एक सेकंड सभी लोग देखो, फॉर रेंज एक नोट लिखो, रेंज की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, है ना? अगर थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाए तो साइन टू थीटा कितना हो जाएगा? 1, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। हमने यही तो पढ़ा है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। तो साइन की अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आज से याद रहेगा, यू स्क्वायर बाई जी। और कब मिलती है? जब आप थीटा कितना रखते हो? 45 डिग्री। आई बात समझ में सबको? थीटा बराबर 45 डिग्री पर जो रेंज मिलती है वो क्या मिलती है हम लोगों को? मैक्सिमम मिलती है। एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। गॉट इट एवरीवन? इसको लिख लो बेटा जल्दी से।
चलिए, अगर ये लिख लिया तो हमें ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पर मिलती है। मैक्सिमम रेंज मिलती है इस सिचुएशन पे, है ना। अब इसके और थोड़ा आगे चलेंगे, मैक्सिमम रेंज तक की कहानी क्लियर हो गई हमको, मैक्सिमम हाइट की कहानी क्लियर हो गई। अच्छा चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एच मैक्स रेंज टाइम टू रीच एच मैक्स। एच मैक्स तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सब बच्चे एक साथ सॉल्व करके मुझे चारों आंसर बताना। सॉल्व करो फटाफट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, टी इज इक्वल्स टू 2 UY/G। यू दिया है 50 और एंगल दिया है 30 डिग्री, तो UY कितना हो जाएगा, u साइन थीटा जो कि होगा 25, और ux कितना हो जाएगा, 25√3, है ना। तो पहला फॉर्मूला हो गया 2 × 25/g, 5 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। एच मैक्स UY²/2g। UY बोले तो 25 × 25, 2 × 10, 5 × 2 = 5, 5 = 125 बाय 4, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, बचेगा 1, तो 3.12 आ रहा है, 3.125 मीटर आएगा, 3.12। उसके बाद में अगर हम देखें तो क्या हुआ है, उसके बाद में सर हमसे पूछा है रेंज जो कि होता है आर बराबर UX UY, 2 UX UY/G, तो 2 × 25 × 25√3/10, 2 × 5 = 5, रेंज आ गया 125/√3। टाइम टू रीच एच मैक्स कितना होगा, टाइम टू रीच एच मैक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट इसका आधा होगी 2.5 सेकेंड। क्लियर है। ईशान 1.2 कैसे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मेरे मन से दे रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। अ पार्टिकल इज थ्रोन एट पॉइंट ए विथ एन एंगल 30 डिग्री एंड वेलोसिटी यू। एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका जाता है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट पी व्हेन इट मेक्स, इसको 60 ले लो, व्हेन इट मेक्स 30 डिग्री, तो v की वैल्यू बताइए क्या होगी। सभी लोग फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। देखो भैया, मैं ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ फॉर्मूले वाले, है ना। थोड़े काम के क्वेश्चन, जो कंसेप्ट हमने समझे थे कल, उन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी है u, एंगल है 60 डिग्री, पी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी आपसे पूछी है। क्यों इक्वल किया हमने एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को इसीलिए इक्वल किया क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होता है। अगर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है
तो हम सीधे सीधे v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या रही है, u बाई रूट थ्री। अरे समझे ना, आगे चलें। एक और क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज 6i कैप एंड 4j कैप, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलिए बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए, इन क्वेश्चंस को पहचानना कैसे है, इन क्वेश्चंस को पहचानने का बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। इसको देखो, अरे आज ही तो लिखवाया था यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप, तो यू एक्स कितना हो गया सर, अगर हम देखें तो यू एक्स हो गया 6 और यू वाई हो गया 4। तो हमारा सबसे पहला आंसर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि होता है 2 UY/g, 4 × 8/10.8 सेकेंड। रेंज आएगी 2 UX UY/g। क्या पूछ रहा है वो आपसे, 2, 6, 4, 10, 6, 4 = 24, 24, 2 = 48, 4.8। हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी यूज, हाइट का फॉर्मूला था UY का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर 16/2/10, 0.8 मीटर हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 0.8 मीटर। अरे आसान था ना क्वेश्चन, ये आप लोग लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे सब लोग। अ मैन थ्रोज अ बॉल विथ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 400 मीटर। अ मैन थ्रोज अ बॉल और अ मैन थ्रोज अ बॉल विथ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 400 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल और बाय बॉल। अ मैन थ्रोज अ बॉल विथ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 400 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। एट थीटा इक्वल टू 45, इधर देखो, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद की सेम वेलोसिटी पर हमें कभी भी मैक्सिमम रेंज मिलने वाली नहीं है। तो थीटा इक्वल टू 45 पे अगर रेंज मैक्सिमम हो जाती है तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/g, विच कैन बी रिटन एज u² / g, क्योंकि थीटा बराबर 45 पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आती है, हमारा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया, u² / g। अब इस मैक्सिमम रेंज पर ये जो हाइट होगी, इसको तो h ही बोलेंगे ना, हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो हाइट कितनी होगी, u² sin² θ/2g, यही फॉर्मूला होता है हाइट का जो कि हमने डिराइव किया था। साइन की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो 45, तो यू स्क्वायर 45 होता है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और एक 2 4g, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, h बराबर u² / 4g, और u² / g तो किसका नाम है, आरमैक्स का नाम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं h बराबर Rmax/4। तो तुम ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब तुम्हें क्वेश्चन वाला कह दे देर इज अ मैक्सिमम रेंज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज द हाइट, तो तुम कहोगे उस मैक्सिमम रेंज का फोर्थ पार्ट। आई बात समझ में सभी को, ये कब पॉसिबल है ये वाला फॉर्मूला, जब रेंज क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो हाइट कितनी होती है, रेंज का 1/4,
इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर यहाँ तक हो गया तो यहाँ पे तो सीधे सीधे अब हम आंसर ही लिख सकते हैं कि अच्छा मैक्सिमम रेंज आपने 400 दी है तो उस पर हाइट हो जाएगी 100 मीटर आंसर। देखो तुम लोग कैसे फालतू प्रश्नों से कंफ्यूज होते हो। अगर तुमसे कोई यहाँ पे पूछ ले कि इस पत्थर को मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो क्या प्रोजेक्टाइल कराओगे? इस पत्थर को मैक्सिमम हाइट पर फेंकना है कृष्णा, मैक्सिमम हाइट याशी, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है तो मग कराओ ना भैया। अब अगर कोई आदमी कह दे कि नहीं मुझे तो इसको अपने से अधिकतम, मैं यहां खड़ा हुआ हूं और इस पत्थर को मुझे अपने से अधिकतम दूर फेंकना है, तो हम कहेंगे भैया ठीक है तुम थीटा बराबर 45 पे फेंको। तो वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि एक पार्टिकल है उसको मैक्सिमम हाइट पे फेंकना है, यू इतना है, जी इतना है। अब बच्चे पागल हुए पड़े हैं कि अरे ये क्या हो गया सर ने तो प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया था और ये आ गया ऐसा। अरे मोशन अंडर ग्रेविटी है भाई, मैक्सिमम हाइट चाहिए। अब अगर रेंज मैक्सिमम कह दे तो फिर प्रोजेक्टाइल ही हो रहा है। बिल्कुल। चलिए आज की क्लास फिर से रिवाइज करना और ये होमवर्क है इसको सॉल्व कर लेना। ओके। बाय। गुड नाइट टू एवरीवन।